arise, awake and stop not until the goal is reached. मतलब के उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए. ये क्या कहा जा रहा है और किससे कहा जा रहा है? वो लोग जो अपने कंफर्ट जोन में हैं, या तो जो चाहिए था वो नहीं मिला है तो बैठ गए हैं थक करके, या फिर जो चाहिए था वो मिल गया है और बस बैठ गए हैं आकर के, अपने कंफर्ट जोन में चले गए, आलसी हो गए, आगे नहीं बढ़ रहे, आगे ग्रो नहीं कर रहे, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहे. ये उनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हो और थक करके बैठ गए हो क्योंकि जो आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा है, तो अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ो. क्या बैठे हो थक करके, क्या रो रहे हो बैठे बैठे? उठो, जागो, सोए क्यों हुए हो? क्यों अपने आप को कमजोर समझ रहे हो? क्यों ये समझ रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता? अरे आप सब कुछ कर सकते हो, ये कहा जा रहा है. और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए. तो इसके दो अलग अलग एंगल्स हैं. एक ये, जब तक कि इस दुनिया में जितना आपको चाहिए आपको आपकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, जो भी बेसिक आपकी नेसेसिटीज है, जो आपकी बेसिक नीड्स है, जब तक वो पूरी नहीं हुई है तब तक वो ही आपका लक्ष्य है. उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी कुछ करना है वो करो, बैठे मत रहो. एक स्टैंड पॉइंट इसका ये है देखने का. दूसरा किन लोगों के लिए कहा जा रहा है? जो एक्चुअल स्टैंड पॉइंट है, जिस स्टैंड पॉइंट से स्वामी जी ने बात कही है जो बहुत कम लोग समझेंगे, वो क्या है कि अगर आपको आपका जो भी लक्ष्य था वो मिल भी गया है तो उसके बाद में ये नहीं कि बैठ जाओ, उसके बाद में ये नहीं कि सो जाओ कि जो मुझे चाहिए था वो मिल तो गया है, पड़े रहो या प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाओ या पावर के पीछे भागने लग जाओ या पैसे के पीछे भागने लग जाओ, ये बात नहीं कही जा रही है. क्योंकि ये कौन कह रहे हैं, कौन ये बात कह रहे हैं? जिन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया ज्ञान के लिए. तो ये यहां पर ज्ञान की और अज्ञान की बात कर रहे हैं. ज्ञान किसका, अज्ञान किसका? खुद का, सेल्फ रियलाइजेशन, उसकी बात यहां पर कही जा रही है. वो आपका असली लक्ष्य है. क्योंकि अगर पूरी जिंदगी सिर्फ अपना जो लालच है या जो अपनी जरूरतें हैं उसी में ही उलझे रह गए तो ये कोई जिंदगी थोड़ी ना है. ये जिंदगी का लक्ष्य नहीं है. जिंदगी का असली लक्ष्य क्या है? सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, उसकी बात यहां पर करी जा रही है. कि चाहे आपको बाहर की दुनिया में कितना भी मिल जाए लेकिन अभी आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है तो बैठो मत, सोते मत रहो, उठ जाओ. आपका लक्ष्य क्या है? खुद को जानना. और जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है, जब तक खुद को आप नहीं जान लेते हो, तब तक मत रुको. यही एक इंसान का लक्ष्य होना चाहिए और यही एक इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य है. क्योंकि अगर आपने पूरी दुनिया को भी जान लिया और खुद को ही नहीं जाना तो क्या जाना? अगर आपने पूरी दुनिया को जीत लिया, मैं कहता हूं दुनिया छोड़ो पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया, लेकिन अगर खुद को ही नहीं जीता क्या जीता? तो आप जीत करके भी हार गए. और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अगर आप हिस्ट्री को उठा करके देखोगे, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया लेकिन जीतने के बाद भी खाली के खाली अंदर से. और ऐसे भी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिनके पास जो कुछ भी था उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया लेकिन उसके बाद भी वो जीत गए. क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को जीत लिया. तो उसकी बात यहां पर करी जा रही है. तो जिंदगी का असली लक्ष्य क्या है? खुद को जानना. जिसने खुद को जान लिया उसने सिर्फ खुद को नहीं जाना है, उसने भगवान को भी जान लिया. क्योंकि भगवान हमसे अलग नहीं है, भगवान हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है.